थोड़ी देर पहले आपने सुना कि मैंने देखा आज कहाँ है कल मतलब ये वाला जो लाइन है ना उसको बोलते हैं अंदर से जो एनर्जी आती है ना मतलब ये मतलब व्लॉग ऐसा वाला। सो आज का जो व्लॉग है वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हम जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा मतलब मूड थोड़ा स्विंग कर लें अपना यार, इतने दिन से घर में रह रहे कि वो खुली हवा चाहिए अपने को और ऐसा पीसफुल एरिया चाहिए एकदम, जहाँ पे कोई मतलब और ज़्यादा लोग ना हो भी तो अपने में मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होते हैं लोग, तो वहाँ पे जाना है। और ऐसी जगह से बनारस में एक ये गंगा किनारे चलेंगे। और चलना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। गंगा किनारे कौन से वाले गंगा किनारे जाएंगे, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पे, तो जो घाट हम जाएंगे वो ये है, दिखाया जाए जरूर दिखाना। वहाँ जाने तक में हमें कुछ चीज़ों की नीड है। हमारी पहली नीड है हमें चाहिए एक मित्र दोस्त, उसके बाद हमारा एक खर्चा 100 रुपये का जो कि हमें वहाँ तक लेके जाएगा। आजकल ब्लॉग्स बहुत महंगे होते हैं यार, खून पी रहे हैं ये लोग भी। क्या बात है भाई साहब, ने तो आपको बहुत जल्दी पहुँचा दिया, सही है। अब ये इतनी जल्दी पहुँचाए हैं तो कारण भी यहीं बताएंगे भाई, क्या है क्यों है, बाकी आगे क्या बनाने वाले हैं ये इनसे पूछेंगे और इन्हीं से जी बता दीजिए अब आगे भी क्या सीन करेंगे आप। फाइनली 20 रुपये की पार्किंग लगा के हम पहुंच गए अस्सी घाट, ज़्यादा जल्दी था इसलिए मैंने आपको फटाफट पहुंचा दिया। अभी यहां से चलेंगे नीचे और देखते हैं क्या सीन है यार, पब्लिक ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा मास्क वास्क भी लगा के रखूँगा मैं, बाकी सब सही है, देखते हैं अभी क्या सीन है, चलते रहेंगे आगे। अच्छी बात है ये इतने दिन बाद गए यहाँ पर हैं, मतलब बंदा एकदम खुश हो गया पहुँच के, पता चल रहा है कि उसको हैप्पीनेस है उस चीज़ से। दिक्कत ये है कि जब इसे भूख लगती है ना तो ये अजीबों से हरकतें करने लगता है और इन हरकतों के चक्कर में ये कुछ भी कर जाता है, ये भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना था, तो ये थोड़ा इसके साथ अभी दिक्कत है और इसी दिक्कत में इन्होंने ये कांड भी कर दिया। मुझे लग गई ये भूख यार, इतने देर में आए आपको मैंने इतनी जल्दी लेकर आया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जल्दी आ गया, मुझे जितना टाइम लगना था वो लगा ही है, तो अभी लग गई है भूख और यहाँ आया तो यहाँ का जो फेमस मोमोज वाला अस्सी घाट तो वो नहीं खाएंगे यार, तो मज़ा नहीं है। और उसके लिए चलेंगे हम अभी यहाँ से वापस, अंदर आ गए थे लेकिन फिर से हमको बाहर चलना पड़ेगा, उसके बाद वापस 2 मिनट बाद खा के वापस आएंगे यहाँ पे, तब आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ का व्यू यहाँ का नज़ारा। ठीक है जी, इन जनाब ने तो ये बोल दिया कि मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, तो इनको खाने देते हैं और हम लोग थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं 120 FPS का। जितनी बार भी यहाँ पर आता हूँ तो वो खा के जाता हूँ, लेकिन ऑन कैमरा ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे जो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ को कभी टेस्ट करो, बहुत अनंत लेवल पे मतलब मोमोज है, मतलब मज़ा आ जाएगा खाने के बाद। और अगर आप पहली बार आए तो एकदम अस्सी घाट के जैसे सामने आपको एकदम शॉप मिलेगी, मैं दिखा दूँगा लोकेशन, आराम से आप इसी आगे यहाँ पर खा सकते हो, बढ़िया है कोई नहीं, बाकी खाने दो और मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो हम लोग चलते हैं आगे, ये अपना खा वा के आएंगे, कहते हैं दुनिया बहुत गोल है तो ये कहीं ना कहीं हम आगे मिल ही जाएंगे। मुझे लगता है मैंने मंदिर के ऊपर हाथ रखा है, क्या मैं सही हूँ? नहीं मैं गलत हूँ, मंदिर के ऊपर हाथ नहीं रखा है, वो ऐसा लग रहा था देखने में कि मैंने मंदिर के ऊपर हाथ रखा है, तो देखो ये क्या है, ये गुम्बद टाइप का है तो कुछ मतलब मुझे लगा ऊपर ये सेवा समिति का कुछ लगा रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। अलग ही है,
बनारस तेरे कई रंग हज़ार। अब जब इतना कुछ हम देख ही रहे हैं, आगे चीज़ों को लेके बढ़ ही रहे हैं, तो घाट के बारे में भी कुछ जानना बनता है ना। तो अब यही बताएंगे भैया जी। ओके, तो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो नाव है इसको कहते हैं जलपरी, और ये बनारस में मैक्सिमम टाइम यहाँ पे खड़ी रहती है। कभी इसको मैंने चलते हुए नहीं देखा, अगर आपने देखा है तो बताओ कमेंट करके कि हाँ देखा है, बट मैंने नहीं देखा। तो देखते हैं अभी कभी इसको, मतलब मैं ऐसा देख पाता हूँ लाइव कि ये चलेगी और मैं इसको लाइव आंखों से देखूंगा, और अभी तक मैं इस पर गया भी नहीं हूँ, कभी होगा तो जाएंगे। कहते हैं बहुत महंगी नाव है तो जाके कोई मतलब नहीं। वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ के बारे में कि यहाँ लाइन से घाट है और हर घाट का कोई ना कोई नाम है, और जो एक्चुअल स्ट्रीट होता है ना वो यही है। यहाँ पे आप आओ, प्रैक्टिस करो, बहुत लोग आते हैं, मैंने वहाँ पीछे गिटार बजा रहे हैं, बहुत लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब तमाम चीज़ें अपनी करते हैं। तो अभी ये कैसा है, यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब पहले ये नहीं था उतना डेवलप, बट अब धीरे धीरे और नोवा डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी लाइटें लग रही हैं, बहुत सारी कलरफुल लाइट लग रही है, ताकि कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में, कुछ अलग अलग पुरानी बातों, जो बनारस में जो पुरानी बातें हैं, यहाँ की जो हिस्ट्री है, वो सब कुछ अब कहीं ना कहीं राइट की जा रही है। वॉल्स पे नाम आ रहे हैं, कब क्या बना, कैसे बना, सब कुछ। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे तो समझोगे। बाकी मैं जितना हो रहा है आपको दिखाई रहा हूँ, जिस चीज़ में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, पसीने तो पसीने गिरे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में। मोमोज खाते टाइम भी यही हाल है, ये तार कहाँ से लटकाएंगे। कहते हैं कि बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टैलेंट की कमी नहीं मिलेगी, हर इंसान में एक टैलेंट है। तो इसी बात पे हमारे साथ है हमारे बनारस चाचा जी, जो हमें कुछ आज अपने टैलेंट से कुछ क्या टैलेंट है। अरे बहुत टैलेंट है आप में, आते जाते लोग को आप हंसा दे तो ये कम है क्या। परदेशियों से ना अखिया मिलाना, परदेशियों से ना अखिया मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना, परदेशियों से ना अखिया मिलाना, परदेशियों से ना अखिया मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना, परदेशियों से ना अखिया मिलाना। ओ पंछी जिनको सच ही कहाँ है, पंछी जिनको सच ही कहाँ है, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज कहाँ है कल वहाँ है ठिकाना। क्या बात है, मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे बनारस में, खुशी होती है कि हम इस शहर की पैदाइश हैं। मजा आ गया सुन के, दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया अंकल जी, आपने की आवाज़ बता दी कि बहुत पुराने गायक हैं। जैसे इन्होंने अभी आपने वहाँ पे जो गाया ना, वो बनारस बना हुआ रस बहुत, मतलब रसों का रस बनारस है, जिसको आना है आ जाए बनारस पे। और क्या, और बना हुआ रस, बना हुआ रस ही नहीं है, ये काफी है। पेचियो में जो है प्रोफेसर बोले साहित्य मेरा सब्जेक्ट रहा है जी। तो बहुत आप, अच्छा लिखा आपने। आप कवि हैं मतलब। काशी के रंग निराले हैं, यहाँ सब अलबेले मत वाले हैं। क्या बात, अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे बैठना, मतलब शायद वो यही चीज़ वो थी जो मुझे घर पे नहीं मिल पा रही थी, यही वो वाइब थी जो मैं खो दिया था कहीं ना कहीं। लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, यहाँ आता हूँ लोगों के साथ, अलग ही मस्ती हो जाती है, एक अलग, हर एक कलाकार से मिलते हैं और एक अलग ही मतलब वाइब लेके जाते हैं यहाँ से। बाकी आपसे यही बोलना है कि आज का जो वीडियो है और आज का जो ये टॉपिक था और आज की जो ये राइड और आज का जो ये टूर था, वो यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जब घर से निकला था तो यार ऐसा था यार कि मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, बट यहाँ आने के बाद फील फ्रेश बनारस। और अगर मेरे चैनल पे नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आखिरी तक आ चुके हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और कुछ ना कुछ कमेंट करके जाओ, मेरी बात अच्छी लगी नहीं लगी वो भी बोल दो, ब्लॉग अच्छा नहीं लगा वो भी बोल दो, अच्छा लगा वो बोल दो, अंकल जी गाना अच्छा लगा या फिर वो कवि जो भैया गा के गए वो बढ़िया लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून, नेवर गिव अप, ऑलवेज।